हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका फिनबिज 24 के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, फिनबिज 24 यह कोशिश करता है कि आपके सामने एक क्वालिटी कंटेंट को रखा जाए, जिससे कि आपको किसी स्टॉक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, मैं मोनोपोली स्टॉक की एक सीरीज ला रहा हूं, जिसमें कि आपको मैं कम से कम 35 से 36 स्टॉक बताऊंगा जो कि अपने सेक्टर में लीडर हैं, और इसलिए मैं आज से यह सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो मेरे तरफ से ये पहला स्टॉक होगा और इसका नाम है HLE ग्लास कोट। दोस्तों, यह लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो कि इक्विपमेंट बनाती है केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। यह कंपनी मार्केट लीडर है फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट एंड आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी के पास 50% का मार्केट शेयर है, यानी जो जितने भी इक्विपमेंट यह कंपनी बनाती है वह 50% मार्केट शेयर गेन करते हैं। यह HLE ग्लास कोट जो है कि पटेल ग्रुप ऑफ कंपनी फाउंडेड इन 1951 में यह कंपनी बनी थी, जो कि लेट डॉक्टर कुशालाल बाई यच पटेल का एक हिस्सा है। इन्होंने ही इस कंपनी को स्थापित किया था। यह कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई थी दोस्तों? 1981 में। HLE ग्लास कोट इमर्ज एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। मैंने आपको बताया था कि यह कंपनी जो है कि 50% मार्केट शेयर रखती है। 2017 में यह कंपनी अक्वायर कर ली जो स्टेक है स्विस ग्लास कोट इक्विपमेंट लिमिटेड, यानी ग्लास कोट में। ग्लास कोट विच वाज इस्टेब्लिश 1991 में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, वाज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट एट द टाइम, जो कि यह इस समय लीडर है, एक तरह से लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट का। 2019 में इस कंपनी का जो है कि नाम बदल के HLE और ग्लास कोट दोनों को मिला दिया गया और इसका नाम हो गया HLE ग्लास कोट लिमिटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि HLE इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड स्विस ग्लास कोट इक्विपमेंट लिमिटेड इज नाउ HLE ग्लास कोट। अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आवर प्रोडक्ट रेंज कैटर टू नीड फॉर स्टोरेज रिएक्शन हीट ट्रांसफर डिस्टिलेशन एंड सॉलिड लिक्विड सेपरेशन द केमिकल फार्मास्यूटिकल एंड अलाइड इंडस्ट्री प्लीज, जो है कि इन सब चीज़ों के लिए यह प्रोडक्ट बनाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट और ग्लास लाइन इक्विपमेंट, इन दोनों में इस कंपनी का जो है कि ये कंपनी लीडर है। और उसके बाद एग्जोटिक मेटल इक्विपमेंट CCMP फार्मा मोड इक्विपमेंट। यह कंपनी का एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5028 करोड़ है और करेंट प्राइस 3683 रुपये, और हाई बना चुका है 7550, जबकि लो 2950 रुपये का। स्टॉक का पी जो है कि अभी 81.1 रुपये है और 10 पैसे, और बुक वैल्यू 180, डिविडेंट मामूली सा 0.11% है। वहीं ROC जो है कि 40% बहुत ज़बरदस्त, और ROE जो है कि 41.4%। फेस वैल्यू 10 है, यानी कभी भी यह स्टॉक स्प्लिट हो सकता है और आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल सकता है। 7550 का हाई, यानी यह कंपनी
लगभग आधे प्राइस पे आपको मिल रही है, आधे से भी ज़्यादा। तो आप इसमें निवेश करके थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, क्योंकि यह चूँकि यह लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यह मोनोपोली भी रखती है, तो इसलिए आप इसमें निवेश अवश्य करके चल सकते हैं। अगर हम बात करें कि यह कंपनी कब की लिस्टेड है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह कंपनी 2007 से लिस्टेड है और अब तक यह जो है कि आपको कितना रिटर्न दे चुकी है, यह भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अब तक यह कंपनी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 7300% का रिटर्न दे चुकी है, 7300% का, यानी आपके पैसे को कितना गुना कर चुकी है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है, 5 से 52 करोड़ पहुंच गया है 2018 से 2021 के बीच में। अभी तक इसका Q4 का रिजल्ट नहीं आया है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि यह कंपनी का जो मीडियम पी है वो 10 है, तो यानी यह जब भी 10-15-20 पी के करीब आए, यानी जब भी इसके साइड में आए 15 या 10 के बीच में, तब आप निवेश करके चल सकते हैं, और 10 से नीचे आ जाए तो और भी बेहतर है। अभी यह स्टॉक काफ़ी महंगा है, इसलिए हो सकता है ये और करेक्ट हो। अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 66% CAGR के हिसाब से यह 5 वर्षों से लगातार ग्रो हो रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्षों से लगातार 82.80% बना हुआ है, यानी 8%। अगर इसके कॉन्स की बात करें, तो अपने बुक वैल्यू से 20.42%, यानी 20 टाइम्स ऊपर ट्रेड हो रहा है, और डिबेटेड डे जो है कि बढ़ गया है 43 दिन से 55 दिन। डिबेटेड डे क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कोई कंपनी अपने ग्राहक को कोई सामान या वस्तु बेचती है, तो वह ग्राहक कितने दिनों में कंपनी के पास पैसा देता है, उसे हम कहते हैं डिबेटेड डे। अब हम कंपनी के सीधे PNL पे आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेल्स जो है कि लगातार इंक्रीज हुआ है, और वह बढ़ के हो गया है 45 से 478 करोड़ 2010 से 2021 के बीच में, और वहीं एक्सपेंस भी बढ़ा है 392 करोड़, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 86 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जब इसमें से हम टैक्स को नहीं घटाते हैं, तो वो हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और डिप्रेसिएशन और इंटरेस्ट भी नहीं घटाया जाता है। अब हम देखते हैं कि टैक्स कितना लगा, और टैक्स लगने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है, 2010 से अब तक जो है कि बढ़ के 2 करोड़ से 62 करोड़ पहुंच चुका है। आपको यह भी जानना चाहिए कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी चल रहा है, या 50 करोड़ एक्सपेंशन के एक्सपेंशन का प्लान कर रही है उधर मालाबार साइड में। हम कंपनी के EPS को भी देखने की कोशिश करेंगे, इसका EPS भी लगातार ग्रो हुआ है, 4 से बढ़ के 46 हो गया है। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, यानी कंपनी आपके पैसे को कितने परसेंट CAGR के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो वो यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। कंपनी 10 वर्षों में लगातार 61% CAGR के हिसाब से आपके पैसे को बढ़ाया है, 5 वर्षों में यह 87% और 3 वर्षों में 182%, यानी हर साल आपके पैसे को लगभग में यह कंपनी दोगुना कर दे रही है, और 1 वर्ष में 9% रह गया है इसका जो है कि रिटर्न। अगर हम यही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 35% है 10 वर्षों से। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्षों से जैसा कि लगातार 31%, 5 वर्षों से 35%, 3 वर्षों से 43, और लास्ट वर्ष में जो है कि अभी पिछले वर्ष में 41% रहा है। कंपनी के पास रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के पास रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10 करोड़ से यह बढ़ते बढ़ते 233 करोड़ हो गया है, और बारोइंग वही जो है कि 84 करोड़ भी बारोइंग भी है इस कंपनी के पास। कंपनी के पास रिजर्व बारोइंग जो है कि रिजर्व से कम है, यानी कंपनी ऑलरेडी डेप्ट फ्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कंपनी जीरो डिप्ट की है, इसलिए आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के पास अब कैश फ्लो भी आ रहा है। कंपनी के पास 9 करोड़ का कैश फ्लो है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2019 में शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग जो है कि 50% थी, वहीं दिसंबर जो 2019 में यह होल्डिंग बढ़ के 74% हो गई और यह फिर उसके बाद घट के 70% के करीब रह गई है। अब वहीं पब्लिक की होल्डिंग 49% से अब 23% रह गई है और FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और बढ़ाते बढ़ाते अब इनकी होल्डिंग हो गई है 5% के करीब और DII भी इसमें मामूली से है 0.85% के करीब। तो दोस्तों यह थी छोटी सी कोशिश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप यह भी अभी बता सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।